24 आवर बिजली होने के कारण भी और तभी में पानी इतना है कि कमी नहीं है, उसके बावजूद ये हमारी बाड़े जो जानीपुर इलाका है, जो लोअर मांडा में जहां से पानी जाता है, वो प्रॉपर पानी नहीं पहुंच रहा। ये क्या वजह है, कहां जा रहा है ये पानी, हमें नहीं समझ लगी। लेकिन आज मुझे हमारे कारपोरेटर ने सुबह सुबह फोन किया कि हमारे 3-4 दिन से पानी की बहुत कमी है और चीतली से जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा, आप आए और वहां पर देखे हम क्या चक्कर है, क्या मोटरें चल रही है या पानी की कोई कमी है तभी में। लेकिन हमने यहां पर आकर देखा, पानी भी बहुत अच्छे तरीके के साथ इनको मिल रहा है और मोटरें भी प्रॉपर चल रही हैं, बिजली की भी कोई कमी नहीं, यहां पर बिजली भी 24 आवर मिल रही है। लेकिन पानी की व्यवस्था कहां पर खराब है ये इंजीनियर ही बता सकते हैं। आज मैंने यहां पर दौरा किया इनके साथ और मैं एससी साहब को, एक्सिन साहब को, एडब्ल्यू साहब को ये बता देना चाहूंगा कि अगर इस तरीके के साथ जहां से पानी सप्लाई करके कहीं और पानी जाता रहा, प्रॉपर तरीके के साथ जहां पहुंचना है वहां पर नहीं पहुंचेगा, तो लोग जो है क्राइम मचाएंगे। आज मैंने इनको समझा बुझाकर जहां पर लाया है, लेकिन लगता है मुझे अगर आगे जहां पर पानी प्रॉपर तरीके के साथ नहीं पहुंचेगा और लोग सड़कों पर उतर आएंगे, तब हमारा क्या होगा, इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो होगी इसी डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर हैं उनकी होगी। इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं आज इनको 2 बजे अपने ऑफिस में बुला रहा हूं, क्योंकि इनको दोनों मैकेनिकल वाले भी और सिविल वाले को भी उठाकर पूछेंगे कि क्या वजह है वहां पर पानी क्यों नहीं पहुंच रहा, क्या कहीं पर लीकेज है या बिजली की कहीं कमी मिल रही है आपको या पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा। इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ अपनी जीवा को भ्रम देता हूं और मैं इनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये पानी की वजह से, कमी की वजह से ही हमारे साथ यहां पर आए हुए हैं और मैंने इनको समझाया ही है। और कल के कल परसों अगर पानी की कमी रहेगी तो शायद ये लोग नहीं रुकेंगे, प्रोटेस्ट इनके खिलाफ होगा ही होगा।